श्रीमती सुप्रिया सुले जी सो वेरी मच आई स्टैंड हियर टू स्पीक ऑन द राष्ट्रपति के अभिभाषण के डिस्कशन में एनसीपी की तरफ से आपने मुझे वक्त दिया इसलिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ सर सर सारे स्पीचेस सुबह से सुन रहे पहले दो तो मुझे लगा वो बचपन में कहानियाँ सुनाते हैं ना माँ बच्चों को कि सब अच्छा है एक परी आती है वो सब अच्छा करके जाती है और वो स्टोरी होती है बच्चे को लगता है कि सचमुच कोई परी है वो आंखें करने वाली है सारा ठीक जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है कि इतना आइडियलिस्टिक दुनिया है नहीं तो शायद ये ख्वाबों में रह रहे हैं और गवर्नेंस इज़ कंटिन्यूटी हर सरकार कुछ तो अच्छा करती है ऐसा नहीं है कि सब सरकार का सभी गलत है अच्छा तो सब करते हैं लेकिन थोड़ी चीज़ें शायद वास्तव से दूर है नहीं तो सबका एक स्पीच सबको ड्राफ्ट आया और वही सारे पढ़े जा रहे देर इज़ नथिंग न्यू इवन इन द बजट स्पीच एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्पीच द ड्राफ्ट वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर पता ही नहीं चला कौन सा बजट वाला है कि कौन सा प्रेसिडेंट स्पीच है क्योंकि हर में 10 साल का हिसाब है अगले इस साल और अगले साल का हिसाब तो है ही नहीं उसमें और इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है जो कार्ति चिदम्बरम जी ने जो कहा हाई ऑन सिम्बलिज्म एंड लो ऑन सब्सटेंस है एवरीथिंग इज ऑप्टिक्स एंड एवरीथिंग इज इवेंट और वो इवेंट खत्म हो जाता है लोग भूल जाते हैं सर आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने एक संसद ग्राम योजना शुरू की थी उसका क्या हुआ पता नहीं मेरा अलग है मैं आपको समझा सकती हूँ आपका बारी होगी तो आप समझा दीजिए संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी एक दो सांसद की लेकिन आगे कितने गांव हुए इसको क्या हुआ शौचालय की बहुत सारी बातें हुई सर शौचालय बने ज़रूर बने होंगे लेकिन कितने ऑपरेशनल हैं ये किसको अभी हिसाब किताब नहीं है जब आए थे स्वच्छ भारत इसमें सारी राज्य काम करते हैं उसका डेटा नहीं है आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर रेलवेज में हुआ है बदलाव रेलवेज पहले से साफ हुई है हाँ हुई है देयर आई कैन से दैट जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे लेकिन इस देश में कचरा कम हुआ है कूड़ा कम हुआ है नहीं हुआ है सर तो ये जब अब ये जो काम होता है ना सिम्बलिज्म में होता है और सब्सटेंस रियली इज लो इट्स नॉट आई एम जस्ट बींग वेरी प्रैग्मेटिक एंड एज ऑप्टिमिस्टिक आई लाइक टू बी बिकॉज ये देश जितना आपका है वो हमारा भी है महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं महंगाई का डेटा जब मैं बजट में बोलूँगी विस्तार से बोलूँगी लेकिन जितने चैनल्स दिखाए उस दिन सर बजट के दिन में सुबह हर महिला सिर्फ एक मांग कर रही थी सबको कि आपको बजट में निर्मला जी से क्या चाहिए तो हर महिला सिर्फ इतना ही कह रही थी कि भाई महंगाई कम करिए बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए सर आपने भी टीवी देखा होगा उस दिन उसके बाद बेरोजगारी सर बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है मुझे और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है ये तो 2 करोड़ वगैरह तो 15 लाख का जुमला वो तो अभी बोल बोल के थक गए हम नौकरियां तो हो नहीं रही कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है बहुत सारी आप यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज देखिए सर उनका फोर्स कम हो रहा है क्यों हो रहा है इसकी तो कोई बात हो चर्चा हो लेकिन वो इसके बारे में कोई नहीं बोले जा रहा है और जिस राज्य से मैं आती हूँ सर महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए और बहुत सारा अनरेस्ट उस राज्य में आज है सर सर मैं गिनवाती हूँ आपको आंदोलन किस किस में चल रहे आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी भगनी वो आंदोलन कर रही है डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे टीचर शिक्षक आंदोलन कर रहे तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया आंदोलन चल रहा है और उसके बाद आप देखिए महिला आरक्षण का आपने तो बोला उसका तो आगे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि चेक तो साइन कर लिया नाम भी लग दिया लेकिन उस पर डेट ही नहीं है तो कौन सी महिला के बारे आप टोकनिज्म फिर से आता है सिम्बलिज्म इज हाई सब्सटेंस इज लो आपने प्रेसिडेंट करवा दिया अच्छी बात है हमको भी अच्छा लगा जब प्रेसिडेंट एक महिला बनी लेकिन उसके बाद महिला आरक्षण का क्या हुआ कुछ नहीं हम तो यहीं तो बैठे थे दोनों हाथ से ताली मारे थे अच्छी बात हुई फिर मेरे दोस्त मनीष तिवारी ने बोला सुप्रिया ये जुमला है और एक इस पर डेट ही नहीं है तो वो तो इस साल तो नहीं हो रहा है उसके बाद आप देखिए दवाई हमारे यहाँ उसमें भी महाराष्ट्र में गड़बड़ है उसके बाद जिसके बारे में इन्होंने कहा मणिपुर के बारे में तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा इतने असंवेदनशील हो गया कि हम लोग की जहाँ आज हो रहा है उधर प्रॉब्लम इट इज़ अ बॉइलिंग पॉट सर शुड वी नॉट डिस्कस इज इट नॉट आर मॉरल ड्यूटी दैट वी ओनली टॉक अबाउट द गुड थिंग्स एंड पुश एवरीथिंग अंडर द कार्पेट पार्लियामेंट इज़ अ वेरी सीरियस प्लेस टू हैव दीज डिस्कशंस इवन जम्मू कश्मीर इज डूइंग मच बेटर बट हैज़ एवरीथिंग स्टॉप्ड
जम्मू में क्या हुआ सर, अब आपको याद होगा दिसंबर में कितना बड़ा अटैक हुआ था. तो दिस प्लेस इज नॉट जस्ट अबाउट जिंगोइज्म, इट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म टू हैव डिस्कशंस एंड गिव सजेशंस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सो दीज आर अ फ्यू इश्यूज दैट वी नीड टू डिस्कस एंड वी एक्सपेक्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही रिप्लाइज दैट विस्तार से अगर इस बारे में हम सबको समझा दे, वी विल ऑल्सो गिव गुड सजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री. दैट्स वाई दिस डेमोक्रेसी वर्क्स. इट्स नॉट ओनली अबाउट यूजिंग आइस. आइस मतलब सर, आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी. पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, अपनी पार्टी बनाओ. कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर, हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी. तो मुझे नहीं, मुझे लगता था कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस खत्म कर देंगे, मुझे नहीं लगा था कि निगल जाएंगे और ज़्यादा उनके आई लोग होंगे कांग्रेस के. ये तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया सर. ऑन अ सीरियस नोट आई वुड लाइक टू मेक सम इंटरवेंशंस विच जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मेरे अनुभव है जो मैं शेयर करूँगी. सर हमारे यहाँ बारामती जिस निर्वाचन क्षेत्र में आती हूँ वहाँ सम्यक छाजेड नाम का एक यंग लड़का है, उसका एक दुकान है और मैं यहीं उसके साथ घूम रही थी, पता कर रही थी कि मार्केट में क्या चल रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, महंगाई, मिडिल जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसका क्या हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल दुकान जा रहा है सर उसका क्या हो रहा है, उसको कैसे पैसे मिल रहे हैं, उसका कैसा ड्रॉप हो गया है 25-30% उसका बिजनेस कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है. तो ये समझ गया है कि मैं दुकान में गई थी और वो बोल रहा था कि उसके यहाँ 2-3 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो रूरल डिस्ट्रेस, लेकिन शादी के कपड़े वहाँ मिलते हैं सर. और उसने कहा 30-40% अभी धंधा कम हो गया, उसका बिजनेस कम हो गया है इस दुकान में, क्योंकि देर इज़ रूरल डिस्ट्रेस. वेयर इज़ द रूरल डिस्ट्रेस, मतलब किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा, सब बोल रहे 6,000 रुपया. सर 6,000 रुपया उसको मिलता है हर साल, लेकिन इसका मतलब नहीं है, इट हैज़ नॉट डबल्ड हिज इनकम. जो प्याज के बारे में अमोल कोहले जी बोले, दूध के बारे में भी वही हाल है सर, सोयाबीन के बारे में वही हाल है. आप पैन इंडिया देख लीजिए सर, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स एन अग्रेरियन क्राइसिस. तो अगर इस सरकार को सिर्फ 6,000 रुपये से नहीं हल होने वाला, ना ये माइक्रो कुछ बोलते पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी सर और इतनी आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तो सिर्फ वो नैनो फर्टिलाइजर्स में अटके. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने आके बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है, वो इतना सा छोटा सा चिप होता है वो डाल देते हैं, उसके वो किसान डाल देता है और मोबाइल से पता चलता है कितना पानी डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है. तो ये जो नैनो का बोल रहे हैं वो तो पीछे रह गया, हम तो और आगे पहुँच गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कनेक्टेड टू फार्मिंग सर. बहुत अच्छा उसमें काम लग रहा है, लेकिन उसको जब तक भाव नहीं मिलेगा उसका इनकम डबल कैसे होगा. प्याज का आप देख रहे हैं पॉलिसी यू टर्न किया है, मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए. वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया, थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया. तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा, उसकी कैसी घर कैसे चलेगा, उसके बच्चों की फीस वो देना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है. डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स नहीं हुआ है सर, आप डेटा चेक कर लीजिए. तो वी नीड टू डिस्कस दिस, वी नीड टू एड्रेस, ये जिंगोइज्म से हल नहीं होने वाले प्रॉब्लम्स. उसके बाद एसपी बघेल जी ने कहा कि सिलेंडर की उनकी बड़ी स्टोरी उन्होंने उनकी माँ की बताई, बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने भोगा है, उनकी माँ ने भोगा है और सिलेंडर आ गया, अच्छी बात है. आप सर बताएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात, इंदापुर में झगड़ेवाड़ी नाम का एक गाँव है, मैं हर गांव में घूमती हूँ, तब मैनाबाई नाम की एक सीनियर लेडी थी, मैंने उसको पूछा आपको सिलेंडर मिला, सेड हाँ मिला. उसका क्या करते हैं, ऐसे मैं नहीं यूज़ करती. मतलब क्यों नहीं आप मैनाबाई करते, से बहुत महंगा है ताई, 6,000 रुपया मुझे मिलता है, उसमें का 1,000 अगर सिलेंडर में डालूँ तो खाऊंगी क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगी. तो आज आप मानो या ना मानो सर, वो कह रहे थे उनके भाषण में एसपी बघेल जी कि महिलाओं को बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप इंडिपेंडेंट आप देख लीजिए. और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पता करिए कितने सिलेंडर रीफिल होते हैं. उज्ज्वला योजना, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी वेरी गुड, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट रीफिल कितने होते हैं. और मैं 10 साल इनको आदत है कि पहले क्या हुआ, अरे फिर इस हिसाब से हमारे टाइम में तो 450 रुपया था सिलेंडर का भाव, आज तो 1,000 रुपया का हो गया, तो महंगाई तो बढ़ी ना. और सो क्या हो गया फिर. और आज आप देखिए, आप आशा वर्कर के मीटिंग में चले जाइए सर, मैं खुद हर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका जब उनका आंदोलन चल रहा है उनको 10 बार मिल चुकी हूँ. मैंने पूछा आप चूल्हे पे खाना पकाते हैं कि सिलेंडर से, तो आधी बोली मिक्स करती है क्योंकि हस्बैंड भी है, दोनों मिलके करते हैं तो जल जाता है, लेकिन जो अकेली महिला है वो नहीं कर पाती सर.
क्योंकि महंगाई है, आप मानो या ना मानो, यहाँ नहीं मान सकते, घर जाके आप भाभी से पूछ लीजिए, भाभी बता देगी आपको कितनी महंगाई बढ़ी है इस देश में। तो महंगाई का तो इशू है, और जो SP बघेल जी कह रहे थे वो थिंग है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसे नहीं है। सिलेंडर का दिक्कत है, उज्ज्वला योजना हैज नॉट डन एज वेल एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू क्लेम इट। उसके बाद आयुष्मान भारत के बारे में बोलूँ, अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटेंट बहुत अच्छा होगा लेकिन इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। फिर से वो हो गया अगेन जिंगोइज्म। आयुष्मान भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मैं आपको 10 उदाहरण दे सूँ, सर आप भी फील्ड पे बहुत होते हैं, आप पता करिए आयुष्मान भारत के कितने लोगों के पास कार्ड है। मैं आपको उदाहरण मैं बोल दूँ, हमारी एक महिला है जिसका नाम ये आयुष्मान, ये पुरंदर है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, वो खड़द नाम का एक गाँव है, योगेश पाटिल मुझे सर मिलने आया था, उसके मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, कुछ नहीं कर पाया वो, और उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड 10 जगह गए, कहीं नहीं चला, उसके बाद गांव के सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसका बिल भरा है सर। तो आयुष्मान भारत इनको लगना इट द स्कोप नीड्स टू बी इंक्रीज। तो जस्ट 10 हॉस्पिटल करके सब नहीं होने वाला सर, और जो आप मदद कर रहे आंगनवाड़ी और आशा बहनों को वो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो स्कोप अगर बढ़ा चाहिए तो जो पेंशन भी देते हैं ना, नहीं तो उन महिलाओं की मांग, आज सुबह आप याद होगा सर क्वेश्चन आर में क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी में हमारी एक सुझाव है सर कि अगर आप पेंशन दे रहे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दे दीजिए। क्या होता है आंगनवाड़ी वो हमारी जो भगनी उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ही फैमिली को मिल जाता है, लेकिन उसके पति का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती है। तो वाई नॉट वी आई एम दिस इज अ सजेशन आई एम मेकिंग टू द गवर्नमेंट कि अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आप ये पेंशन दे रहे तो जहाँ जहाँ उनके पति है दोनों का फैमिली का करवाइए, तो दोनों में से किसी को भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए। दैट इज माई ओनली सजेशन टू दिस गवर्नमेंट, आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग इफ दे लुक एट इट सर। ये आयुष्मान भारत सर, दूसरा EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे, वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिले, मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले, आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर, फिर वो कहाँ गया, सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर। और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है, तो ना पेंशन उनको मिल रहा है ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का, बस जा रही है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर, और स्टॉपेजेस चाहिए। उनको बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की, अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का, बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारी मांग है सर ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए, देश ये गरीब देश है सर। और आप एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी अब मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे हैं इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया, तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे तो देन नोबडी हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी सर, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाउ हु हैज गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी देन इफ यू स्टिल हैव टू फीड देम सर, सो देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस नंबर, सो गवर्नमेंट मस्ट क्लैरिफाई वेयर इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन कमिंग फ्रॉम। अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे हैं कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, सो देन हाउ इट डजंट मैच। पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सर। वन मोर मेजर पॉइंट सर, हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर,
लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर, बहुत लड़ाई हो रही है, और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 एमएलए है और यहाँ 300 एमपी। सर एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना अगर सरकार चाहे तो एक मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ भी है सर, अगेन जिंगोइज्म। मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया, और मराठा समाज को जो जीआर निकला है इट इज़ नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है, और वो यहाँ तो आना ही चाहिए ना, इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर। तो आरक्षण के मुद्दे ऐसे ही चले रहेंगे, गाँव गाँव में सर आज आंदोलन और मोर्चे रख रहे, हु विल एड्रेस दिस सर? सो इट्स नॉट एज रोजी एज इट लुक्स। Every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying who will win. वो तो voter decide करता है सर, हम नहीं यहाँ decide करते। The voter is king, वो decide करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले time. But you have been very kind to us in the last 5 years. I am going to speak again on the thank budget. You, thank you. So thank there you. Is one more chance for me to speak thank before, you. But I appreciate all your patience thank and you. I urge the honourable government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, okay. But you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country, sir. Thank you.